गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वैसे तो बहुत गीत ऋषि जी ने भेजे थे, लेकिन बहुत जाना पहचाना गीत और आपके जीवन पर ये बहुत मतलब एकदम सटीक डेडिकेट करता है, मधुर खुशबू देता है। आज 8 अक्टूबर को हंसा जी का 71st बर्थडे है और इस खास अवसर पे मैं आई हूँ एट द ओल्डेस्ट योगा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, विच इज़ द योगा इंस्टीट्यूट इन सांता क्रूज ईस्ट। और मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है क्योंकि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी अ मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स इन द क्राउड, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यू नो, इट्स जस्ट इट जस्ट reassures the fact that yoga is not only for the retired or the old age people to unwind. It is a journey that should start from a very young age. And here at the Yoga Institute, yoga is not only about physical awareness, it's also about mental awareness, being conscious, being in the present, being happy and living life to the fullest. So very happy to be a part of this beautiful day. वेल, मुझे योगा की प्रेरणा बहुत कम उम्र से मेरे माँ से मिली, जो खुद काफ़ी यू नो, उन्होंने योगा की बहुत डिटेल में ट्रेनिंग ली है। शी कुड ऑल्सो टीच इफ़ शी वॉन्ट्स टू, हर नॉलेज ऑफ योगा इज़ दैट गुड। तो मैंने बचपन से मैं भी उनके साथ क्लासेस जाती थी और वहाँ पे जो उनके बैच में मैं भी योगा करती थी। तो तब से मैंने मेरा परिचय योगा से हुआ। आई थिंक काफ़ी सालों तक मुझे, आई एम नॉट रियली बीन अ जिम पर्सन, लाइक यू नो, डोंट रियली गो एंड वर्क आउट, आई डोंट रियली वर्क आउट, बट वेन एवर आई फील लाइक वर्किंग आउट आई ऑलवेज टर्न टू योगा, बिकॉज मुझे लगता है कि योगा एक ऐसा साइंस है या फिर ऐसा एक्सरसाइज है, वर्कआउट प्रोसेस है, जहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट योर एक्सटर्नल, यू नो, इट्स एक्चुअली लाइक मसाजिंग ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, इंक्लूडिंग द माइंड। सो आई ऑलवेज टर्न टू योगा व्हेन आई फील लाइक आई वांट टू एक्सरसाइज एंड नाउ आई एम डूइंग इट रेगुलरली। वेल, बॉलीवुड में फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है।
बिकॉज़ यू नो ऐसा विजुअल मीडियम है जहाँ पे आपको एक तरह से लगना चाहिए बड़े पर्दे पर, यू हैव टू लुक परफेक्ट, यू नो, ऑल्दो अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर ब्रेकिंग दैट दोज क्लीशेज, बट आई थिंक राइट नाउ द ट्रेंड इज सच दैट बॉलीवुड में भी फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ माइंड फिटनेस, जैसे अभी यू नो रिसेंटली दीपिका जी ने डिप्रेशन के बारे में बात किया और उन्होंने अपने उन्होंने एक इंस्टीट्यूट खोला है, यू नो, फॉर द फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु गो थ्रू डिप्रेशन, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन बॉलीवुड, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यू नो, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एस्पायरिंग, वो ऑडिशंस के लिए जाते हैं, वहाँ सिलेक्ट नहीं होते, उनको लगता है हम में कुछ कमी है. So a lot of people are trying to bring that awareness ki it's not only about physical fitness, you know, it's also about your feeling good about yourself and keeping that positivity within you. Iske alawa most awaited movie hum bol sakte hain bina dekhe kis tarah ka experience raha. Are biography ke kaafi research karna padta hai, aapne kitna kiya? Well honestly Thackeray ke bare mein main अभी मुझे कोई परमिशन नहीं है बात करने की. नहीं, मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि बहुत मज़ा आया उस फिल्म में काम करके. एंड वी आर रिलीजिंग ऑन 25th of June, सॉरी जैन, विच इज़ बाल ठाकरे जी इज़ बर्थडे. इसके अलावा मैं तनुश्री दत्त और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी काफ़ी दूर तक की जा रही है, तनुश्री ने केस भी फाइल किया हुआ इसका, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? समथिंग काफ़ी सेलिब्रिटी ने ओपनली कहा है और सामने फेस सामने आ रहे हैं, कंगना रनौत ने भी विकास गर्ग के साथ में जो हुआ वो भी वाक्य भी कहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वेल इट्स यू नो इट्स रियली सैड इफ समथिंग लाइक दिस हैज़ हैपेंड विद तनुश्री, एंड आई मीन इफ आई एम श्योर देर मस्ट बी सम पेन, देर मस्ट बी सम सफरिंग बिकॉज ऑफ विच शी हैज़ टेकन this step to come out and speak about it. Now whether it's true or false, that's a wo ek debate hai jo that will continue to the end of the world, okay, but the fact of the matter is that no lady, whatever profession she is in, should be forced to do something that she doesn't want to do, you know, and I being a woman, I know that, and I have always in the way I have conducted myself, I have always made that clear. And yes, that should be respected. I think that's every woman's, every individual's right actually. Why only women? Even men cannot be forced to do anything they don't want to do on screen, you know. Kitne actors hai Bollywood mein jinko kissing scene karna acha nahi lagta parde par, the superstars hai. So I think we have to respect that. Nobody should be forced and at the cost of anything. Iska jo kamina ranaut ke jo baat kya hua hai apne sath mein, usme kya kehna chahiye? Oh, I'm really sorry. I'm not aware about this. Oh, I'm really sorry. I'm not aware about this. And finally, ma'am, aaj yoga day. Kya karna chahiye? World Yoga Day. Oh. Acha. जो आज वर्ल्ड योगा डे है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन्हें हमेशा से अपने फिज़िकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस की एक तलाश है या अवेयरनेस है कि हमें उस दिशा में कुछ करनी चाहिए, उनके लिए हर दिन योगा डे होता है. सो फॉर मी इट्स जस्ट अनदर डे. Because I have always been very conscious about the fact that I should work on not only being a better person physically but also mentally. Thank you.
से जुड़ी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए जैसे तैसे.com।